सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप आपकी YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम जानिए, मेरा नाम है दीपजीत और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल डिजिटल दीपजीत। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको यूजफुल कॉन्टेंट मिलता है। तो सबसे पहले आपको कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। ये में आ गया हूँ कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट में, आप देख सकते हो। आप अगर फोन से कर रहे हो तो आप कैनवा की ऐप डाउनलोड करके वहां से भी एडिट कर सकते हो। तो यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब थंबनेल। तो जब भी आप यूट्यूब थंबनेल सर्च कर लोगे तो आप देख सकते हो बहुत सारा प्रीमेड टेम्पलेट ऑलरेडी है। ये भी आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये पेड वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर पेड लिखा हुआ है। तो आपकी अगर पेड वाला प्रो अकाउंट है तो यहाँ से आप पेड वर्जन भी ले सकते हो। और यहाँ पर फ्री में भी बहुत सारा टेम्पलेट ऑलरेडी है, ये वाला फ्री है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल स्क्रैच से आपको बताऊंगा कि कैसे यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हो फ्री में। तो सबसे पहले क्रिएट ए ब्लैंक पर मैं क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लैंक कैनवास आ गया। तो यहाँ से मैं एडिट करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए एक ब्लैक बैकग्राउंड। तो ब्लैक बैकग्राउंड के लिए मैं जाऊंगा एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ से मैं सर्च कर लूंगा ब्लैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक बैकग्राउंड मेरे को मिल गया है। तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं पूरा स्प्रेड कर लूंगा कैनवास की चारों तरफ। तो आप देख सकते हो एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड मेरे को मिल गया है। अब मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट देख सकते हो, ऐड ए हेडिंग पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक हेडिंग ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ। हाउ टू क्रिएट मैंने ए ले लिया और यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूंगा हाउ टू क्रिएट। तो मैंने एडजस्ट कर लिया और यहाँ से आप चाहो तो टेक्स्ट का कलर भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। देन आपको और भी एक हेडिंग ले लेना है और यहाँ से भी लिख लेना है। तो ये भी मैं एडजस्ट कर लूंगा यहाँ से। तो मैं मेरे YouTube के जो चैनल है वहां पर ही एक थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। तो दिन आपको और भी एक हेडिंग ले लेना है, यहाँ से भी लिख लेना है पेज इन व्हाट। आप आपकी हिसाब से कर लेना, मैं मेरे जो चैनल है उसकी हिसाब से कर रहा हूं। दिन आपको एक एलिमेंट्स चाहिए ताकि आपकी जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव लगे। तो आपको एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल सर्च कर लेता हूँ रेक्टेंगल। तो मुझे मेरे को एक रेक्टेंगल मिल गया है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। थोड़ा एडजस्ट करके मैं यहाँ से भी इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा डाउन साइड कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो मैं एडजस्ट कर लिया, इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल और भी क्लोज कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। ओके ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर एक आपको कलर ले लेना है। तो मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला कलर जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रही है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर भी एक टेक्स्ट चाहिए मेरे को। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा और एड इज अवेडिंग करके यहाँ से भी मेरे को एक इन हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी, ये मेरा जो चैनल है हिंदी हिंदी वाला चैनल है, मैं हिंदी पर ही कंटेंट डालता रहता हूँ, इसीलिए मैं हिंदी सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। आप मुझे एक वर्डप्रेस की जो लोगो है वो चाहिए, तो वर्डप्रेस की लोगो के लिए आपको एलिमेंट्स में जाना है। देन आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस लोगो, तो मुझे ये वाला लोगो पसंद है, तो मैं सेट कर लेता हूँ। छोटा कर दिया, थोड़ा छोटा करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। बड़ा भी कर सकते हो। ओके, तो देखने में भी काफी अच्छा है। तो इसको मैं, इसका जो, इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ। ग्रीन रखने में अच्छा लगता है। तो इसका अगर फॉन्ट को अगर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉन्ट भी आप ले सकते हो, वाला भी ले सकते हो। ठीक है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। को भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है ये वाला जो थंबनेल है। देन मेरे को एक राइट साइन चाहिए, तो मैं लिख दूंगा राइट। एडिटमेंट से जाके को राइट लिखना पड़ेगा। आप टिक भी लिख सकते हो अगर राइट लिखने के बाद नहीं आ रहा है तो। मेरे को चाहिए, और इसका जो कलर है इसको मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये भी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इसका अगर बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसका अगर बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसका अगर बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप आपके हिसाब से सेट कर लेना। मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्या कर सकते हो। कि मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि अच्छा लगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और प्रोफेशनल लगे। तो आप देख सकते हो कि मैं जो थंबनेल किया आपके सामने ही किया सब कुछ। तो आप देख सकते हो ये वाला थंबनेल बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको अगर आपको रेड रखना है तो रेड रख सकते हो। इसका अगर ब्लू रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। व्हाइट भी रख सकते हो। ब्लैक ब्लैक तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वाला ब्लू भी रख सकते हो। दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगता है जब भी आप ऐसी तरह का एक थंबनेल क्रिएट करोगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा ये थंबनेल। आप भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। मैं जो स्टेप आपको बताया आप प्लीज फॉलो कीजिए ताकि आपको भी बहुत अट्रैक्टिव वाला थंबनेल मिल जाए। अब आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मैं जो फिलहाल इस वक्त जो टेम्पलेट या थंबनेल क्रिएट किया वो मेरे चैनल के हिसाब से किया। मेरा जो चैनल है वो डिजिटल के बारे में है। मैं वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो थंबनेल क्रिएट किया तो ये मैं वर्डप्रेस की सेटिंग के बारे में मैंने बताया, तो उसका ही एक थंबनेल मैंने क्रिएट किया। तो ऐसे ही थंबनेल आपको क्रिएट कर लेना है। देन आपको डाउनलोड करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड में जाकर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। आप पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हो, जेपीजी भी कर सकते हो, पीएनजी में भी कर सकते हो। आपको अगर पीएनजी पसंद है, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो पीएनजी सिलेक्ट करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। तो मेरा जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो गया है। आप आपकी कंप्यूटर की जो फाइल है वहां पर जाके आप डाउनलोड वाला ऑप्शन पर देख सकते हो। तो फिलहाल आज का ये वीडियो इतना ही है। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।